बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद अली योर मैथ टीचर। आज हम 12 जनवरी 2021 का काम करने जा रहे हैं, रिव्यू एक्सरसाइज 3। तो बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो इसमें पहला जो सवाल है वो MCQs से रिलेटेड है। तो इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसका फर्स्ट पार्ट, Only 0, 1, 2, 3 and 4 are used in। तो देखें बेटा, पहला ऑप्शन है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में सिर्फ दो डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। दूसरा है ऑक्टल सिस्टम, उसमें 0, 1, 2, 3 अप टू 7 तक डिजिट्स होते हैं। और सी ऑप्शन है डेसिमल। डेसिमल में तो तमाम नंबर्स आ जाते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू 9 तक। और जो बेटा डी ऑप्शन है, सिस्टम विद बेस 5, तो बेस 5 जो है उसमें 0, 1, 2, 3 and 4 इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 की बात की गई है। तो बेटा पहला जो सवाल फर्स्ट पार्ट है, इसका ऑप्शन है डी। दूसरा देखें, द प्लेस वैल्यू ऑफ 10 की पावर है बेटा 3। तो 10 की पावर 3 का मतलब बेटा क्या होता है, 10 को आपने 3 टाइम्स लिखना है मल्टीप्लाई के साथ, तो आपका आंसर आता है 1000। तो आप देख सकते हैं इसमें दूसरा जो पार्ट है, इसमें 1000 जो है वो डी ऑप्शन है। उसके बाद चलते हैं हम तीसरे पार्ट की जानिब। यहाँ बेटा लिखा हुआ है 100 बेस 2, तो आप इसको सॉल्व करेंगे डेसिमल के लिए, 100 बेस 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप ये लिख चुके तो इनकी पावर लिखने, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये बेटा 1 आ गया। मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 का मतलब है 4 प्लस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 प्लस 0 को यहां भी देखेंगे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0। ये 0 0 बेटा आप खत्म कर सकते हैं, 1 4 4, यानी ये 4 जो है आपका ऑप्शन ठीक है। तीसरा जो पार्ट है बी ऑप्शन है, यहां भी मैंने ये लिखा हुआ है, तीसरा जो है बी ऑप्शन। चौथा देखें बेटा, ये लिखा हुआ है 304 बेस 5। तो 304 बेस 5 को हमने सॉल्व करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके बेस 5 इसलिए 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद बेटा की पावर लिखनी है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब आप 3 को एज इट इज लिख देंगे, 5 की पावर 2 का मतलब है 25, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा इसको आप 0 लिखना डायरेक्ट, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो 1 के इक्वल है। उसके बाद बेटा आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 को 25 से करेंगे 75 आता है, प्लस ये 0 आप खत्म करते हैं, 4 1 4 इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 1 4, फिर आप 75 और 4 को बेटा ऐड करते हैं तो आपका आंसर आता है 79। तो यहाँ देखिए 79 जो है वो बी ऑप्शन है। तो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि 4 पार्ट जो है उसका जो आंसर है, जो ऑप्शन है बी हमने लगाना है। पांचवा देखें बेटा, 1 1 बेस 2 प्लस 10 बेस 2, ये 1 1 बेस 2, 10 बेस 2 इनको आपने ऐड करना है, इनको बेटा हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 1 होता है, 1 और 1 2 है, लेकिन चूंकि बेस 2 है तो हम यहाँ 2 नहीं लिख सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बेस 2 है और नंबर भी 2 आया तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 और 0 कैरी, तो यानी 10 आपका आंसर आता है 101। तो देखिए बेटा यहाँ 101 जो है वो आपके पास बी ऑप्शन है, यानी फिफ्थ पार्ट में आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ जैसा कि बी ऑप्शन है। उसके बाद हम चलते हैं सिक्स पार्ट की तरफ, 3 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 बेस 5। तो बेटा यहाँ मैंने देखे यहाँ ये सवाल को सॉल्व किया है, 3 4 12 होता है, चूंकि 12 जो है वो 5 से बड़ा नंबर है, आपने 12 को 5 से डिवाइड करना है, 5 2 10 और जो बेटा रिमाइंडर है वो 2 है, 2 2, यानी 2 2 इसका आंसर आता है बेस 5। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए है, 6 पार्ट का बेटा ए ऑप्शन है, यहाँ भी मैंने लिखा है और यहाँ आप देख सकते हैं 2 2 बेस 5 ए ऑप्शन। 7th पार्ट है बेटा, 400 बेस 5 माइनस 33, 400 बेस 5 माइनस 33 बेस 5। तो बेटा 0 में से तो 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, तो हम 7 वाले नंबर से कैरी लेंगे, मगर ये भी 0 है, ये भी कैरी नहीं दे सकता, तो
तो फिर इससे पहला जो नंबर है फोर, यहां से हम कैरी लेते हैं, तो बेटा फोर जब एक कैरी देगा तो यहां बच जाएगा थ्री, और यहां जो कैरी होता है चूंकि बेस फाइव है कैरी फाइव आएगा, अब फाइव में से भी एक कैरी जाएगा तो यहां बच जाएगा फोर, और जो कैरी गया बेटा वो वन नहीं होता वो फाइव होगा क्योंकि बेस फाइव है, फाइव में से आप थ्री माइनस करते हैं टू बचता है, फोर में से थ्री माइनस करते हैं वन बचता है, और थ्री एज इट इज आ जाता है, तो यानी आपका जो आंसर आएगा वो थ्री वन टू और बेस फाइव, मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो यहाँ में लिखा भी हुआ है बेटा, या आप देख सकते हैं सामने में ए ऑप्शन। तो ये आपके आज के एमसीक्यूज थे, अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर टू की जानिब। क्वेश्चन नंबर टू में फर्स्ट पार्ट है डिफाइन द बाइनरी सिस्टम, तो बेटा ये बाइनरी सिस्टम का जो आंसर है इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन का आप निशान लगाएंगे वो पेज नंबर 40 पर है। अ नंबर सिस्टम फॉर्म बाय टू डिजिट्स जीरो पर इस आर बाइनरी सिस्टम एंड इट्स बेस इज टू, तो ये बेटा आपको हेडिंग नजर भी आ रही है 3.1.2, इसमें ये ए आपका हेडिंग है नंबर सिस्टम इन बेस को, ये आपका आंसर है, इसको आपने अंडरलाइन करना है। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है राइट द डिजिट्स यूज्ड इन ऑक्टल सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम मतलब बेस एट। अब बेस एट में कौन कौन से डिजिट्स आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये बेटा पेज नंबर 40 पर ही नंबर सिस्टम विद बेस 8, द नंबर सिस्टम विद बेस 8 इज कॉल्ड ऑक्टल सिस्टम, इन दिस सिस्टम 8 डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 7 था। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम इसका आंसर भी बेटा इसी पेज पर है, पेज नंबर 40 पर, डी हाइडिंग है बेटा इसकी, डेसिमल नंबर सिस्टम इज द मोस्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम इन द वर्ल्ड, इन दिस सिस्टम 10 डिजिट्स 0 से लेकर बेटा 9 तक आर यूज्ड, एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ पावर्स ऑफ 10 एंड 10 इज कॉल्ड इट्स बेस, और 10 को बेटा यहां बेस कहेंगे। उसके बाद बेटा इसका जो लास्ट पार्ट है विच इज द बिगेस्ट डिजिट यूज्ड इन द सिस्टम विद बेस 2, अब बेस 2 में दो डिजिट है 0 एंड 1, तो अब इसमें सवाल क्या पूछा गया, बिगेस्ट डिजिट, तो जाहिर बात है 1 जो होगा वो इसमें बिगेस्ट डिजिट है, यानी इसका आंसर होगा 1। ठीक है बेटा, ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया हुआ होगा, आपने इसको दोबारा सुनना है अगर कहीं से कोई बात समझ ना आए, और इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे रब्ता करना है। थैंक यू वेरी मच।